अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये देखें ये पूरा का ए, पूरा डेजर्ट है लेकिन आज मैं डेजर्ट के अंदर मौजूद हूँ और आज मैं इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर जाऊंगा और आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाऊंगा अस्सलाम क्या हाल है अल्लाह का शुक्र क्या सुना अपने हाँ आए हो जालंधर से अच्छा हन किथा बदे हो थे केड़ा चक अच्छा चलाना गुजारा थिनदा पे अल्लाह अल्लाह का शुक्र शुक्र है है टाइम पास करना पे अच्छा जा हां तो फ्रेंड्स ये देखें ये दाची का दूध जो है निकाल रहा है और ये देखें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इसके अलावा मैं आज इन आपको बॉर्डर ज़रूर दिखाऊंगा और मैं आज वैसे भी निकल रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की जानब तो देखते हैं वहीं पर और यहाँ से देखें काफ़ी ऊँट खड़े हुए हैं तो अब यहाँ से मैं रवाना होता हूँ और यहाँ से मेरे कुछ मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं तो ये देखें ये पूरा डेस्ट है और आगे इन जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रहन सहन कि सर चौलस्तान के, के लोगों का और यहाँ से देखें तो यहाँ पर पहुँचे हैं कि एक ठिकाना है जिसे उगाड़ी के नाम से जाना और पहचाना जाता है और यहाँ पर देखें कुछ जो लोग बैठे हुए हैं सहरा चौलस्तान के लोग अपना सामान जो है ज़रूरत का रख कर तो इसी के साथ ये देखें इनका दारो मदार इन्हीं जानवरों पर होता है तो ये देखें कुछ गधे हैं गधों के ऊपर जो है सामान वग़ैरह लदा हुआ है तो यहाँ से देखें ये दोपहर का वक्त है अब यहाँ पर यह बकरियाँ वग़ैरह चर कर अब जा रही हैं ये देखें इनके साथ कुछ भेड़ें भी हैं तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है नज़ारे दिखाऊंगा इंशाल्लाह तो देखें व्यू ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ये रेगिस्तान ही है जहाँ से कोई आबादी का नामो निशान तक नहीं है तो मैं टोबे पर पहुँचा हूँ यहाँ से देखें गधा जो है पानी पीने आया है तो यहाँ पर इंसान भी यहाँ से ही पानी पीता है और उसी के साथ जो जानवर वगैरह हैं वो भी यहीं पर पानी पीते हैं यहाँ पर देखें कुछ बकरियाँ वगैरह वो आ रही हैं टोबे तो पे पानी पीने के लिए तो इसी टोभे तो से तो मैं अपनों को दिखाता हूँ कि इंसान भी पानी पीता है या नहीं तो यहाँ से देखें ये देखें एक बाबा है वो यहाँ से पानी पी रहा है इसी टोबे के साथ और यहाँ से देखें जो भेड़ बकरियाँ हैं वो भी यहीं से पानी पी रही हैं तो अब जो है पानी वगैरह पी कर इसी टोबे के अटैच में बैठी हुई हैं अब जो है दोपहर का वक़्त है तो यहाँ से फिर निकलेंगी चरने के लिए तो ये देखें अब जो है वो बकरियाँ वगैरह वो वहाँ से उठ कर अब जो है चरने के लिए निकल आई हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ की थोड़ी सी रूटीन दिखाऊंगा और उसी के बाद मैं आगे थोड़ा जाकर आपको इंडिया और बाग पान का बॉर्डर भी दिखाऊंगे इन ही तो यहाँ से देखें कुछ जो है लोग बैठे हुए हैं तो क्योंकि सर्दियाँ हैं सर्दियों का मौसम है तो अब जो है थोड़ी सी शाम होने वाली है और यहाँ से देखें कि भेड़ें वग़ैरह आकर बैठ गई हैं अपने ठिकाने पे तो मैं फिर जाकर थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ तो यहाँ से देखें ये पूरा रेगिस्थान है और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और मैं अपन को अपने, अपने मोबाइल की मदद से आपको यहाँ का जूम करके कर दिखाता हूँ बिल्कुल साफ़ नज़र यहाँ से आता है तो यहाँ से ये देखें ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है तो ये देखें आपके सामने है यहाँ पर जो है तार वगैरह लगी हुई है जो दूर तक मैंने जूम करके दिखाई और मैं आप लोगों को रात का नज़ारा भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगा बिल्कुल करीब जाकर और जाकर मैं आपको शाम की रूटीन दिखाता हूँ कि शाम को जो है ये वगैरह चाय वगैरह वो बन रही है अब जो ये देखें ये दूध अंदर रहा है। और यहाँ पर जो है ये आग आग लगा दी है अब देखें चाय पकने के लिए रेडी हो गई तो ये देखें अब जो है वो चाय वगैरह वो पक गई है और अब जो है रोटियां वगैरह पकाएंगे और उसी के साथ कुछ सालन भी तो ये देखें ये इनका सामान पड़ा हुआ ज़रूरत का और यहाँ पर जो है सहरा चौलस्तान के लोग उनके पास चार पा रही होती और नीचे लेट जाते हैं तो यहाँ पर रोटियाँ पका रहे हैं बहुत ही खाता हूँ ये देखें ये रोटियाँ पका रहे हैं इंसान ही हैं ख़ुद पका रहे हैं ये औरतें वगैरह नहीं हैं ये मर्द है यहाँ पर देखें ये रोटियाँ वग़ैरह और ये देखें ये आग लगी हुई है माशा अब जो है वो रोटी पकने के लिए रेडी हो गई ये देखें ये अब तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सालन दिखाऊं ये देखें ये सालन अब जो है ये सालन दूध की मदद से बनाएंगे वैसे तो लोग ज़्यादातर जो है लस्सी की मदद से बनाते हैं लेकिन ये दूध की मदद से ये सालन बना रहे हैं तो ये इसी सालन के अंदर दूध डाल दिया है ताकि ये सालन पक जाए ये देखें अब जो है पक चुका है तो मैं जा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से दूर तक आपको लेटें नज़र आ रही होंगी ये जो हैं इंडिया और पाकिस्तान की लेटे हैं तो मेरे साथ जो दोस्त आए थे उन्हीं के साथ यहाँ पर आकर हम इन्हीं के बिल्कुल यहाँ से देखें आपके सामने नज़र आ रही हैं तो मेरे साथ जो दोस्त हैं वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह यहाँ से व्यू आप सभी के सामने है माशाल्लाह बहुत ही मुझे तो ये ख़ुशी हुई यहाँ पर आकर तो आपको कैसा व्लॉग लगा